फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह में कृषि फसलों या एग्री कमोडिटीज़ का क्या रुझान देखने मिल सकता है। शुरुआत हमेशा की तरह सोयाबीन से ही करते हैं। तो सोयाबीन में हमने देखा कि हल्की सी बढ़त देखने मिली, जहां पर हम 6600 से 6500 के ऊपर प्राइसेस को नहीं जाता हुआ देख रहे थे, उसके ऊपर जो साप्ताहिक क्लोज है देने में कामयाब हुई है प्राइसेस, खास करके मार्च और अप्रैल वायदा में। और ऐसा लगता है कि हाज़र बाज़ार में भी जो तेज़ी है वो रिफ़्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, और जिनकी पोजीशंस अभी भी ओपन है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो 6850 से 6900 का व्यू है वो ऐसा लगता है कि अब काफ़ी जल्द हासिल हो सकेगा। तो उस हिसाब से सोयाबीन में तेज़ी जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं कैस्टर सीड में भी हमने देखा कि जो तेज़ी थी वो आते हुए देखी। 6850 का एक लक्ष्य है जो काफ़ी समय से हम चर्चा कर रहे थे, वो आखिरकार हासिल होता हुआ देखा, और जो हफ्ते का क्लोज़ है वो भी वहीं पर देने में प्राइसेस कामयाब हुई हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि एक हल्का सा रेंज बाउंड मूव देखने मिल सकता है, जहां पर 6900 से 6650 के बीच कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर जो नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट हम डिस्कस करें तो मेरे हिसाब से 7100 का अगला लक्ष्य होगा, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें देखने मिल सकता है। तो जिस तरह 6850 का एक लक्ष्य हमने लगभग एक महीने पहले डिस्कस किया था, उसी प्रकार नेक्स्ट टारगेट 7100 है, और पोजिशनल टारगेट अगर हम दो महीने के व्यू के हिसाब से बात करें तो 7300 से 7400 तक प्राइसेस जाने की उम्मीद दिखा रही हैं। तो इमीडिएट तौर पर यानी अगले हफ्ते के हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव देखने मिल सकता है, लेकिन इस रेंज के निचले स्तरों के आसपास अगर बाइंग की जाए तो इमीडिएट टर्म के हिसाब से यानी 2 से 3 हफ्तों के हिसाब से 7100 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है कैस्टर सीड में। वहीं पर अगर हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने देखा कि एक रेंज बाउंड या दायरे का कारोबार दोनों ही ग्वार सीड और ग्वार गम में देखा गया, और यही हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि एक दायरे का कारोबार देखा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि निचले स्तरों के आसपास बाइंग आते हुए दिखेगी। तो वही हमने ग्वार सीड में देखा कि लगभग 6100 से 6250 तक की बाइंग देखने मिली, उसी प्रकार ग्वार गम में भी करीबन 11600 के करीब बाइंग देखने मिली। तो एक दायरे का कारोबार अगले हफ्ते में भी दिखेगा, और ये दायरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो सकता है, यानी हम ग्वार सीड में करीबन 6200 से 6400 का दायरा देख सकते हैं, उसी तरह ग्वार गम में 11700 से लगभग 12000 का एक दायरा देखा जा सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। कॉटन में हमने देखा M6 कॉटन में नई ऊंचाइयां बनते हुए देखी हैं, 38200 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। जो नेक्स्ट बड़ा लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है वो 40000 का होगा, और 37000 से 37500 के बीच अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कोई भी डिप अगर देखने मिलती है आने वाले कुछ समय में तो उस डिप का फ़ायदा उठाया जा सकता है बाइंग करने के लिए। अपसाइड में इमीडिएट तौर पर यानी अगले हफ्ते के हिसाब से बात करें तो 39000 और उसके बाद लगभग 40200 के आसपास के लक्ष्य हमें मीडियम टर्म यानी 2 से 3 हफ्ते के हिसाब से आते हुए दिखते हैं। वहीं पर अगर बिनौला कल की बात करें तो आखिरकार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हफ्तों तक 3050 से 3100 के करीब सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर की चाल आ सकती है। 3200 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। इमीडिएट लक्ष्य के तौर पर 3320 का एक लक्ष्य है, उसके बाद में लगभग 3400 और 3550। तो ये तीन टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस लेके चला जा सकता है। हालांकि 3320 और 3400 के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे, 3550 जो काफ़ी समय से पेंडिंग है वो हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमें हासिल होता हुआ दिखे। तो मीडियम टर्म टारगेट 3550 और शॉर्ट टर्म टारगेट 3320 और 3400 के लेके चला जा सकता है। वहीं पर अगर हम मसाला कॉम्प्लेक्स की चर्चा करें तो हमने देखा कि जीरे में जो तेज़ी थी वो जारी रही। 22000 का पोजिशनल टारगेट है, लेकिन इस हफ्ते हमने 21200
तक के हाइज बनते हुए देखे और जो क्लोजिंग है वो 20,900 के करीब आई है। 20,000 का जो पिछला हाई था अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर 20,500 से 20,300 तक दाम फिसलते भी हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और 22,000 का अगेन एक मीडियम टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। हालांकि पोजिशनल टारगेट यानी अगले दो महीने की बात करें तो लगभग 23,500 से 24,000 तक भी दाम जा सकते हैं। हाज़िर बाज़ार में अभी भी डिमांड अच्छी है और बाज़ार टाइट है। आने वाली जो डिमांड सीज़न है उसके चलते ऐसा लगता है कि दो महीनों का अगर हम व्यू लें तो लगभग 24,000 का भी लक्ष्य हासिल होगा, लेकिन मीडियम टर्म की बात करें यानी 2 से 3 हफ्तों की तो लगभग 22,000 का व्यू अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। वहीं पर धनिया में भी हमने तेज़ी आते हुए देखी है और धनिया और हल्दी में दोनों में ही ऐसा लगता है कि तेज़ी का रुख है, लेकिन धनिया रिलेटिवली बेटर दिखता है यानी अगर हम कंपेयर करें हल्दी से, और अपसाइड भी जो है इसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। 11,500 तक का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है धनिया में, तो अब भी एक कंसोलिडेशन दिखे या एक डिप दिखे 10,600 तक तो वहाँ पर उठाया जा सकता है और 11,500 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहाँ पर हल्दी में भी मीडियम टर्म हमें नई टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 9,600 से 10,300 के बीच एक दायरे का कारोबार होगा कुछ समय तक, तो इसीलिए कंपैरिजन में धनिया बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है आने वाले समय में। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ में शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदे के सौदे हो सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।